हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो एग्जाम्स में अपने हाथ का थंब इम्प्रेशन देते हैं वो कैसे कंप्यूटर में स्टोर होता है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं और उसके कितने तरीके हैं कि आप का थंबनेल कैसे प्रोसेस होता है, थंबनेल इम्प्रेशन। सो बायोमेट्रिक मेथड से ये काम होता है, इसको कैसे करते हैं इसको आज हम लोग सीखेंगे। वॉट इज़ अ फिंगर प्रिंट रीडर? सबसे पहले क्या होता है, जब आप अपना थंबनेल कहीं पे लगाते हैं तो वो फिंगर प्रिंट को रीड करता है। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिकॉर्ड डिजिटल इमेज ऑफ द फिंगर प्रिंट पैटर्न इज नोन एज अ फिंगर प्रिंट रीडर। जो आपका फिंगर प्रिंट के पैटर्न को रीड करता है उसको फिंगर प्रिंट रीडर कहते हैं। द कैप्चर इमेज इज नोन एज अ लाइव स्कैन विच इज डन डिजिटली प्रोसेस। अब जो इमेज आपकी कैप्चर होती है कंप्यूटर में वो डिजिटली प्रोसेस होती है। दिस डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स आर एक्सट्रैक्टेड एंड अ फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक टेम्पलेट इज क्रिएटेड। और उसके बाद वो बायोमेट्रिक टेम्पलेट क्रिएट होता है। अब टेम्पलेट किस फॉर्म में क्रिएट होता है? जीरो और वन के फॉर्म में। ये देखिए, आपका यहाँ पे इन्होंने थंबनेल को स्कैन किया, स्कैन करने पर उसमें फीचर ऑफ द फिंगरप्रिंट डिस्टिंग्विश करेगा, वो डिजिटल इमेज ऑफ फिंगरप्रिंट एंड देन डिजिटल टेम्पलेट ऑफ फिंगरप्रिंट, वो कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल टेम्पलेट में। अ फिंगरप्रिंट स्कैनर हैज मेनी एडवांटेज, उसके बहुत से एडवांटेज है। बिजनेस विद अ हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी, अब बिजनेस में जब एम्प्लॉयज आपके पास आते हैं और थंबनेल लगाते हैं तो ये आपको पता रहता है कि अच्छा, यही पर्टिकुलर पर्सन आपके बिजनेस में काम कर रहा है, एम्प्लॉई है। ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस वेरियस बेनिफिट, रिलायबल बैकग्राउंड चेकिंग ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की बैकग्राउंड की चेकिंग हो जाती है। सिक्योर एसेस टू फैसिलिटीज एंड एसेट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा, जिसके वजह से आप अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को बचा सकते हैं कंप्यूटर में। वही आदमी उसको एक्सेस कर सकता है जो ऑथराइज हो। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट सेंसर टेक्नोलॉजी, अभी इसको सेंस करने के कई तरह की टेक्नोलॉजी है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट, कैपेसिटिव बेस्ड फिंगरप्रिंट एंड मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग। अब ये इसका डिटेल कभी फिर हम आपको बता देंगे, अभी ये मोटा मोटा समझ लीजिए कि ये तीन तरीके होते हैं। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन कैसे होता है। वेरिफिकेशन करने के लिए उसको एक्विजिशन करना पड़ता है, प्रोसेसिंग करना पड़ता है, फीचर एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है और फिर टेम्पलेट से मैचिंग करना पड़ता है। जो अभी हमने आपको बताया कि कंप्यूटर में आपका जब इनपुट डालते हैंगे आपके फिंगर को रीड करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है टेम्पलेट फॉर्म में। तो जब फिर से आप उसी को मैच लगा मशीन पर स्कैन किया जाता है तो वो आपके फिंगरप्रिंट को फिर से एक्वायर करता है, प्रोसेस करता है और उसके फीचर को एक्सट्रैक्ट करके पहले के जो टेम्पलेट बना हुआ है उससे मैच करता है और डिसीजन लेता है कि वेदर यू आर ऑथराइज और नॉट। उसी प्रोसेस को प्रॉपर वे से दिखाया गया है, उसमें डेटाबेस नहीं था पीछे वाले में। और इसमें देखिए, एनरोलमेंट के समय एम्प्लॉई हो चाहे स्टूडेंट हो, आपके फिंगरप्रिंट को सेंस करके फीचर एक्सट्रैक्ट करके डेटाबेस में टेम्पलेट बना के स्टोर कर देता है। फिर ऑथेंटिकेशन होता है, जब दोबारा आप अपनी फिंगरप्रिंट लगाते हैं कहीं पे, फिंगर को सेंस करते हैं तो फिंगरप्रिंट सेंसर जो होता है वो DSP बेस्ड प्लेटफॉर्म पर फीचर के एक्सट्रैक्शन करके उसकी मैचिंग करके रिजल्ट देता है। अब DSP क्या होता है इसको अभी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, पहले समझ लें कि वेरिफिकेशन क्या होता है। वेरिफिकेशन सिस्टम इज अ सिस्टम दैट डिटरमाइंस द करस्पॉन्डेंस ऑफ इनपुट फिंगरप्रिंट विद अ टेम्पलेट फिंगरप्रिंट स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। अभी जैसा कि हमने बताया कि जो आप फिर से जब आपका थंब या किसी फिंगर को आप स्कैन कराते हैं तो वो पुराने टेम्पलेट से उसको कंपेयर करता है। टेम्पलेट फिंगरप्रिंट इमेज इज ऑब्टेन इन एनरोलमेंट बेसिस। There are variety of approaches to fingerprint verification. अब verification के भी कई कई approaches हैं। Straight pattern matching device जो हम लोग अभी discuss कर चुके हैं, more fringe
फ्रिंज पैटर्न अल्ट्रासोनिक लाइफ फिंगर इज प्रेजेंटेड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कैन बी यूज फॉर वेरिफिकेशन ऑफ वन ऑफ वन और आइडेंटिफिकेशन वन ऑफ एन। तो इतने तरह के मेथड हैं जिसमें से हम लोग ने डिस्कस किया स्ट्रेट पैटर्न मैचिंग डिवाइसेस। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्या होता है, इज एनी मीन बाय विच द पर्सन कैन यूनिकली आइडेंटिफाई और बाय इवैल्यूएटिंग वन और मोर डिस्टिंग्विश्ड बायोलॉजिकल ट्रेट। अब आपको कई तरह से बायोमेट्रिक फॉर्म में आपके चीज़ों को डिस्टिंग्विश करके आपके बायोलॉजिकल चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफायर इंक्लूड्स फिंगरप्रिंट 2D एंड 3D फेस ज्योमेट्री, हैंड ज्योमेट्री, एयर लॉब ज्योमेट्री, रेटिना, आयरिश पैटर्न, वॉइस वेव, DNA एंड सिग्नेचर। अब देखिए कितनी चीज़ें बायोमेट्रिक में स्कैन की जा सकती है। फेस रिकग्नाइज किया जा सकता है, एयर लोब की ज्योमेट्री को जाना जा सकता है, रेटिना को चेक किया जा सकता है, आपकी आँख के पुतली से और उससे आपका सेंस किया जा सकता है, आपकी वॉइस से आपको पहचाना जा सकता है, आपके फेस से आपको, आपके फिंगर से, आपके DNA सिग्नेचर से आपको पहचाना जा सकता है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाइज अ पर्सन यूजिंग वेरियस साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक विच कैनॉट बी कॉपीड और ट्रांसफर। अब वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको ना कोई कॉपी कर सकता है और ना ही ट्रांसफर कर सकता है। द फिंगर टिप रिजेस आर स्कैन एंड ट्रांसलेट थ्रू अ एल्गोरिथम टू अ नंबर। व्हेन अ एम्प्लॉई इनिशियली प्रेजेंट देयर फिंगरप्रिंट अ मैथमेटिकल टेम्पलेट इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर वेरिफिकेशन। जो अभी हमने आपको बताया कि जब आप फिंगर अपनी लगाते हैं तो कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में। वेरिफिकेशन मेथड, अब दो तरह के वेरिफिकेशन मेथड मैचिंग वाले होते हैं जिसमें 1-to-1 कंपैरिजन इन द पर्सन करंट बायोमेट्रिक डेटा आर कंपेयर्ड ओनली विद देयर ओन रेफरेंस। जिसमें आदमी का जो फिंगरप्रिंट वो लगाता है वो उसी के पैटर्न से मैच होता है। दिस ऑथेंटिकेशन मोड रिक्वायर्स अनदर यूनिक आइडेंटिफायर सच एज यूजर ID, पिन और स्मार्ट कार्ड। जिसमें आपका यूजर ID, पिन और स्मार्ट कार्ड का ऑथेंटिकेशन होना जरूरी होता है। वेरिफिकेशन इज इनहेरेंटली फास्टर एंड मोर सिक्योर देन आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो ये जो मेथड होता है बहुत सिक्योर होता है। 1-to-n कंपैरिजन, अब लेकिन एक से ज़्यादा कंपैरिजन जब होता है तो 1-to-n कंपैरिजन होता है। उसमें आपका बायोमेट्रिक डेटा जो होता है ऑल रजिस्टर्ड टेम्पलेट से कंपेयर किया जाता है। इसमें केवल आप ही के डेटा से कंपेयर होता है, इसमें सारे टेम्पलेट से कंपेयर होता है। डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस जो हमने आपको अभी कहा था कि हम बाद में बताएंगे, विच आर स्पेशली डिजाइन सिंगल चिप डिजिटल माइक्रो कंप्यूटर दैट प्रोसेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। जो ये होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करता है जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के थ्रू, कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। तो कैमरा क्या होगा, फेस रिकग्निशन के लिए होगा, फिंगरप्रिंट सेंसर जो होगा फिंगर को सेंस करेगा, माइक्रोफोन आपके वॉइस को रिकग्नाइज करेगा। विल हेल्प टू रिवोल्यूशनलाइज द वर्ल्ड ऑफ बायोमेट्रिक। जो ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेस है ये आपके बायोमेट्रिक प्रोसेस के थ्रू वर्ल्ड में रिवोल्यूशन ला रहा है, क्योंकि ये आपका सिग्नल प्रोड्यूस करके आपकी आइडेंटिटी को रिकग्नाइज करता है। So this is all today viewers, if you like this information please run, share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer, follow my all social media link given in the description, join telegram channel, go to community and ask for your query if any in comment. कमेंट में आप अपनी कोई भी क्यूरी हमसे पूछ सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और रन करिए। आप लोग रन ही नहीं करते हैं तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ने से आपको समझ नहीं आता, फिर आप लोग